नौकरी लगे तो आफत, ना लगे तो आफत। सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है उसके बारे में बात करेंगे। हेलो गाइज, मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने कैरियर पर चैनल में। आपने देखा होगा कि हमने 6 महीने के बाद ये मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ फेस कैम वाली। अभी तक क्यों? आपने देखा होगा कि मेरे पास टाइम नहीं। कहने मतलब क्या? टाइम प्रॉब्लम है। टाइम की प्रॉब्लम क्या है कि टाइम की समस्या हमारे पास ये है कि एक तो पहले मैं घर पर रहता था, अब इलाहाबाद में ट्रांसफ़र हुआ है मेरा, ठीक है। अब छुट्टी चल रही है, जब छुट्टी चल रही है तो उसके बारे में मैंने सोचा कि फेस कैम वीडियो जो है बनाया जाए। अब कम से कम जो 50 दिन की छुट्टियां हैं, ठीक है, और उसके बारे में मैंने सोचा कि, और फिर उसके बाद इलेक्शन में ड्यूटी, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब जो है ग्रुप सी ग्रुप डी की जो वैकेंसी पता लगाया जाए। बहुत से जो हमारे सब्सक्राइबर लवली सब्सक्राइबर्स हैं वो बार बार कमेंट कर रहे हैं सर इसकी पता लगाइए। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है तो वहाँ पर बताया गया कि ग्रुप सी की 1200 वैकेंसी नोटिफिकेशन और ग्रुप डी की 1500 नोटिफिकेशन जो है बन के तैयार है वहाँ पे जो है कोर्ट में, ठीक है। और आपने देखा होगा कि ये बड़ी समस्या रहती है। जॉब प्रॉब्लम क्या है? अगर जॉब लग जाए तो आफत, ना लगे तो आफत। जब जॉब लग जाती है तो ट्रांसफ़र फेंक दिया कहीं दूर। एक हमारा स्टूडेंट है, ग्रुप डी में लगा हुआ है, कह रहा है सर मेरी सैलरी कितनी है? 22,000 रुपये सैलरी है। कहता है कि मैं अपना घर ले लेता हूँ, अपना अलग खर्चा करता हूँ, खाना पीना करता हूँ, तो समझ लो मेरे 10,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। बच्चे कितने पास? उसके पास मात्र 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। कम से कम लखीमपुर खीरी या दूर, कम से अपने घर से कम से कम 400-500 किलोमीटर दूर। अब जैसा मैं पढ़ा हुआ कम 650 किलोमीटर दूर इलाहाबाद में, तो सीधी सी बात है। तो अब मेरा बात तो अलग है, रहना पीना सब, खाना फ्री। उसके बाद क्या है, अब मैंने पता लगाया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है कि 10 मई से लेकर 4 जून तक जो है हॉलीडे, कहना मतलब कि अवकाश रहेगा। जैसा हमारा 50 दिन का अवकाश है 50 दिन का, वैसे ही जो है 10 मई से लेकर 4 जून तक अवकाश रहेगा। और हाँ, मैं एक बात और आपको बता रहा हूँ, जितनी भर्ती मैंने बताई अब तक 100% भर्ती आई है। देख लीजिए कौन कौन सी बताई थी मैंने। एक भर्ती बताई थी, देख लीजिए सामने, मैंने बताया था यूपी, टीजीटी और पीजीटी, ये भर्ती आ चुकी। मैंने कहा था यूपीएसआई, ये भर्ती आ गई। मैंने कहा था यूपी आंगनवाड़ी, यानी आंगनवाड़ी भर्ती, ये भर्ती आ गई, ठीक है। ये 3-4 भर्ती मैंने आपको बताई। और मेरी कम से कम आपने देखा होगा 450 वीडियो पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे। मेरी जो पुरानी वीडियो हैं, जब मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ था तो मैं यहीं पे था, तो मैं फेस कैम वीडियो बनाता था। तो आपने देखा होगा कि कम से कम जो है मेरी 360 वीडियो फेस कैम वीडियो। जब अब कम से कम 6 महीने तक मैं वहाँ पर रहा, इसकी छुट्टी पड़ गई, मैं फेस कैम वीडियो बनाना शुरू कर दूँ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दूँ। और हाँ, इसके बारे में कौन कौन सी वैकेंसी आपको निकलेंगी, है ना, प्रोसेस सर्वर की होगी ग्रुप डी में और कौन कौन सी रहेगी, उसके बारे में जो है मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, ठीक है। और ये वैकेंसी जो आएंगी कम से कम कब आएंगी? जून के लास्ट में। मैं आपको बताना चाहूँगा जून के लास्ट में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम भी जो है वो 15 जून के आसपास, 12 जून 15 जून के आसपास लास्ट में वो खींच के ले जाएंगे एग्ज़ामों को, ठीक है। तो कम से कम 20 जून तक जी है ये, आपको 25 जून तक ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और 2018 वाले की ज्वाइनिंग का मैटर चल रहा है, वो कोरोना के चक्कर में अभी जो है कुछ रह गए, और कुछ की ज्वाइनिंग लगभग हो चुकी है, ठीक है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और तो फिलहाल ये नोटिफिकेशन आपको ये 100% आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अगर कोरोना का प्रकोप ज़्यादा ना हुआ तो, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं क्या होता क्या नहीं होता। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन है सबसे हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और हाँ, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।